हेलो, हाँ मुझे मिल गया। सॉरी मैडम, टायर पंचर हो गया है, 5 मिनट में स्टेपनी बदल देता हूँ। कैसा जॉब है ये? वो मैनेजर जब भी बुलाता है हमें जाना पड़ता है। ओहो, तुझे वो बुढ़ा ही मिला था क्या? तुम जैसी लड़कियों को हम जैसे लड़के दिखते ही नहीं है ना? कितने दिन से ये सब चल रहा है? सॉरी सॉरी, उसको तुम में इंटरेस्ट है या नहीं? हाँ, तू तो बहुत शरीफ है ना। हमने पोजीशन ले लिया सर। ये थर्ड अटेम्प्ट है, इस बार वो बचना नहीं चाहिए। ऑर्डर सर। इस बार हम चूके तो हमारी मुश्किल पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। सर, ये हम लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर। फायर बोलने के अगले ही पल हमारे गन से निकली हुई बुलेट उसके सीने के अंदर होगी सर। ओके। ए, जरा गाड़ी रोक। ए, रोड पर कार खड़ी करके क्या चल रहा है? टायर पंचर है सर, बदल के चले जाएंगे। ठीक है ठीक है, जल्दी निकलो। ओके। बोर हो गई यार, कार ठीक होते ही जल्दी से निकलते हैं। भाई, महादेव ब्रिज तक सब कुछ नॉर्मल है, आप आ सकते हैं, मैं आगे निकल रहा हूँ। ओके जॉन। आ रहा है सर। तुमने ठीक से देखा, वही है ना? कंफर्म वही है सर। रोड इसी वक्त ब्लॉक करो। आ जाओ, रास्ता खाली है, आ जाओ। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ, राइट 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 राइट, आ जाओ आ जाओ, सीधा 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 सीधा, चलो 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 चलो, आ जाओ। अरे रुको 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 रुको, रुको, देख के देख के देख के देख के देख के, छे, ए, हटो सामने से। एक बल्ब बचा है, बदल के चले जाएंगे सर। छे, जल्दी हटो। ओके सर। ए, रुक जा, बाद में बदलते हैं, गाड़ी हटा ले। प्लीज मुझे शूट मत कीजिए। दूसरे शहर का होकर हमारे यहाँ दादागिरी करता है। मत जा। शक्ति है, हमारा एरिया है। मुझे इसमें साजिश लग रही है, देखते हैं। सर मुझे बचा लो सर। शक्ति,
शक्ति। नो। शक्ति, अब तेरा खेल खत्म। गणेश, गेट अप मैन, वेल डन। बिल्कुल शक्ति की तरह परफॉर्म किया तुमने। थैंक यू सर। हमारा एनकाउंटर रिहर्सल बहुत ही अच्छा था, लेकिन शक्ति उतना सीधा नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। छोटी छोटी गलतियों पर भी हमें कॉन्सेंट्रेट करना होगा। इस रिहर्सल में सिर्फ दो चेंजेस हैं। इस पिलर के पीछे मैं रहूंगा और उस पिलर के पीछे गणेश रहेंगे। जैसे ही शक्ति इस ब्रिज के करीब आएगा, इस रोड पर आने वाले सभी जंक्शन को हम बंद कर देंगे। पब्लिक का यहाँ होना सही नहीं होगा। ओके, अभी रात के 12 बज रहे हैं। ठीक 5 बजे शक्ति का इसी जगह इसी तरह एनकाउंटर करना है। सो 5 घंटे का वक्त और है। गो गेट प्रिपेयर्ड। चाहे कितना भी हंस बोलकर बात करे, नजर उस पर रखना। हमारे इज्जत का सवाल है। बहुत ही सुंदर है। हेलो। हे, तुम इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठा रही हो? साइलेंट मोड पे रखा था मैंने फोन। साइलेंट मोड पे रखा था या मुझे तरसाने के लिए इतना इंतजार करवाया? वो छोड़ो, पॉइंट पे आओगे। अच्छा मेरी बात सुनो, मॉर्निंग 4 o'clock पे मालती तुम्हें गाड़ी में पिक करेगी। ठीक 5 बजे तुम सीधे माधवपुर ब्रिज के नीचे गांधीनगर बस स्टॉप पे आ जाना, वहाँ से मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। और ठीक 7 बजे शादी, उसके बाद। तुम भी ना यार। सॉरी, प्लीज याद रहे शार्प 5 o'clock माधवपुर ब्रिज गांधीनगर बस स्टॉप। हेलो। तो क्या कहा तुम्हारी बेटी ने? वो चाहे कुछ भी कहे, कल सुबह की फ्लाइट से तुम्हारे पास आ रही है। बिल्कुल चिंता मत करो, वो यहाँ आके सब भूल जाएगी। भूलेगी तो ही उसके लिए अच्छा है। कल सुबह 6 बजे इसे लेकर एयरपोर्ट जाना, तैयारी कर लो। मीनू, वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? जय, ये लोग मुझे बाहर भेज रहे हैं, कहाँ और कब आना है ये बताओ। ठीक सुबह 5 बजे गांधीनगर बस स्टॉप पे आ जाना, हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। ठीक है। कितने देर से खड़ा हूँ, क्या हुआ? पुलिस चारों तरफ है यार। मिल गया ना? जल्दी वाइंड अप करो। लेट्स मूव। लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। अब तक 24 मर्डर कर चुका है वो। शूटिंग का ऑर्डर दिए हुए 6 महीने हो गए हैं, अब तक हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। बस नाम की पुलिस है पर किसी काम की नहीं। सर, प्लानिंग जबरदस्त है सर, इस बार वो बच नहीं सकता। उसका दिमाग और उसकी ताकत का सामना करने वाले कई लोग हमारी टीम में हैं सर।
ध्यान रहे हमें कोई देख ना पाए। हेलो हेलो विनोद, मैं घर से निकल चुकी हूँ। मैं भी निकल चुका हूँ। ओके केयरफुल। ओके हेलो सर, सुबह के 5 बजे शक्ति की लेटेस्ट रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। ओके मिस्टर विक्रम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, सभी स्पॉट पे मिलेंगे। लिफ्ट लिफ्ट। भैया 1 किलो एप्पल, वो कश्मीरी एप्पल। हाँ हाँ वही राइट। छुट्टे तो ना भैया? छुट्टे तो नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। हेलो, हाँ ठीक है पापा। मैडम पैसे। ओह सॉरी। अच्छी तो लग रही थी। किसे ढूंढ रहे हो भाई? नहीं कुछ नहीं। सॉरी मैडम, आज तक हमारी ट्रेवल एजेंसी में ऐसा कभी नहीं हुआ मैडम। इतनी आसानी से कैसे बोल सकते हो? देखो मंडे मॉर्निंग दिल्ली में मेरा इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू के लिए 4 महीने पढ़ाई करके प्रिपरेशन की थी मैंने। आज सुबह जब पूछा था तो बोल देते कि टिकट नहीं हो पाई है। टीटी से बात करके कैसे भी आपको इस ट्रेन से भेज देंगे यही सोचा था मैडम, लेकिन वो नहीं मान रहा। सॉरी मैडम। 300 गर्ल्स में से सिर्फ मैं ही एक सिलेक्ट हुई थी भाई, और तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हारी गलती की सजा क्यों भुगतूं? मिस्टर, आज 6 बजे की ट्रेन में मुझे टिकट चाहिए, समझे तुम? वरना तुम्हारे ऑफिस का क्या हाल करूंगी वो तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे पास एक आइडिया है। क्या है? मैडम मैं बताता हूँ, इस ट्रेन से आप दिल्ली जा सकती हैं, टिकट भी तैयार है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। नई शादी के एक जोड़े ने इस ट्रेन में दिल्ली तक जाने के लिए हनीमून कोच बुक करवाया था, लेकिन अब वो कैंसिल करवा रहे हैं। अगर आप चाहें उस लड़की के नाम पर दिल्ली तक ट्रेवल कर सकती हैं। हनीमून कोच में जाऊं? मैडम मैडम टेंशन मत लीजिए, दूल्हे के नाम पर जो ट्रेवल कर रहा है वो मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा लड़का है। क्या कह रहे हो? तुम्हारे एक अनजान दोस्त के साथ मैं यहाँ से दिल्ली तक जाऊँ और वो भी हनीमून कोच में? बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? देखिए बहन जी, आपका जाना जरूरी है इसीलिए हमने ये सब अरेंजमेंट किया। जैसे आपका जाना जरूरी है वैसे ही उसका भी दिल्ली जाना जरूरी है। मैडम को ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। अब तो मान ही जाएंगी। चलिए आइए ना सिस्टर। सुन भाई। हाँ? टाइम हो रहा है जल्दी करना। बस 1 मिनट। MBA. अन्ना यूनिवर्सिटी। बैंगलोर यूनिवर्सिटी। डॉलर्स कॉलोनी। शिवाजी नगर। मेरा बस एक ही एम है कि मैं प्यार करके ही शादी करूं। और आपका? हेलो वेट 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 वेट, आप मुझे गलत मत समझिए, फ्रैंकली बोलना मेरा नेचर है। आई वाज जस्ट किडिंग। मीनू, अरे सुनो सुनो मीनू, बीती बातें भूल जाओ ना। कौन सी? वही जो मैंने कहा, लव मैरिज, ये हमारे जनरेशन की टॉपिक है, लेकिन छोड़ दो। गुड। मैं ये सब यूथ की बातें किसी 70-80 साल की बुढ़िया से कर लूंगा। आप मंदिर और पूजा की बातें करना, मैं पाप पुण्य की बातें करता हूँ। दिल्ली आए या नहीं आए, हम दोनों के सफेद बाल जरूर आ जाएंगे। हेलो, लव अफेयर की बातों से यूथ नहीं होता, विवेकानंद की सेंसिबल बातों में भी यूथफुलनेस दिखाई देती है। थैंक्स। वो क्यों? मुझ पे भरोसा करके दिल्ली तक साथ आने के लिए।
तुम पर भरोसा करके नहीं आई हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है इसलिए आ रही हूँ। अच्छा क्या मैडम तुम भी? हम गाड़ी ठीक से चलाते हैं, लेकिन सामने से आने वाला अगर आके हमें ठोक दे, एक्सीडेंट एक्सीडेंट ही होगा ना? समझे नहीं। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो तो हमको गाड़ी ठीक से चलाना पड़ेगा ना मैडम? What do you mean? बताता हूँ, मुझ पे भरोसा नहीं है ऐसा क्या कि मेरी बुराई क्योंकि मैं भी एक रेप्यूटेड और अच्छे घर का लड़का हूँ, आगे आपको पता चलेगा। इनफैक्ट मेरे सर्कल में मैं ही हूँ जिसकी अब तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। और बाकियों की? बाकियों की शादी हो गई। आई एम स्टिल सिंगल। चलो डो। वाह, मिल्क, फ्रूट, फ्लावर, बेड, उस पे बेडशीट और साथ में ये सब कहीं सपना तो नहीं है? ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ट्रेन में हनीमून की इतनी अच्छी तैयारी होगी इसका मुझे आइडिया ही नहीं था। हाउ अबाउट यू? हेलो, जोक की भी कोई लिमिट होती है। भड़कती क्यों? मैंने तो बस इतना ही पूछा कि तुम्हें आइडिया है या नहीं। नहीं है तो ठीक है। हेलो, यहाँ हूँ मैं। हटो। इट्स ओके। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। इस जगह पर आते ही अचानक से बदन में अजीब सी हलचल हो रही है। टीटी जब आकर देखेगा थोड़ा रियल लगना चाहिए ना, इसलिए सर। पागल हो गया। छी, इतनी टाइट फिटिंग है कि अतड़ियां दिख रही हैं, बिल्कुल बच्चे लग रहे हो। सही है सही है, अभी मेरी उम्र ही क्या है इसलिए धूले के कपड़े फिट नहीं आए। तुम चाहो तो दुल्हन की साड़ी पहन के देख लो, बिलीव मी यार तुम पूरी आंटी लगोगी। पुलिस तुम पर बच्चे के साथ शादी करने के जुर्म में चाइल्ड मोलेस्टेशन का केस लगा देगी। तुम्हारे फालतू जोक पे बहुत हंसी आई, बस बहुत हुआ। जोक का फालूदा बना दिया एंड में। अच्छा मीनू, अगर यहाँ सच में हस्बैंड वाइफ होते तो क्या वो इस तरह ही झगड़ते? हे भगवान। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब असली हस्बैंड वाइफ से था, तुम तो ज्यादा ही सीरियस हो गई, मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ओवर नहीं कर रहे हो क्या? अब तक तो मैंने शुरुआत भी नहीं की है। हाँ। करूँ क्या? तुम दिल्ली किस काम से जा रही हो? हेलो, आपसे पूछा? इंटरव्यू। ओ, कौन सी कंपनी में? इंटेल कॉर्पोरेशन। इंटेल कॉर्पोरेशन, अच्छा। हाँ? मीनू, लगता है टीटी आ गया, प्लीज भूलना मत, तुम पति मैं पत्नी, ठीक है? हेलो। क्या हुआ? मैं पत्नी और तुम पति, चलो जाओ। आखिर बोल ही दिया। अरे कहाँ फंस गई? क्या छोटू, ऐसे उस तरफ मुंह करके क्यों खड़ा है? सर, आप लोग हनीमून कपल है और बहुत लेट हो चुका है, आप लोगों को संभलने के लिए टाइम मिले इसलिए यहाँ मुके हैं। समझे कुछ? अरे सर, मैं बहुत डिसेंट लड़का हूँ सर। अरे 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 अरे, हम भी डिसेंट है, तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं हुआ। क्या, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? तू कहाँ अंदर घुसा जा रहा है? शादी से पहले अच्छे डॉक्टर को दिखा देते। आप भी ना सर, उस बेचारे की लाइफ बर्बाद कर दी। क्या है? बगल में 50 साल का बुढ़ा भी शादी करके आया। हाँ।
उसने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बादाम पिस्ता काजू लेकर दरवाजा बंद कर दिया। उसके बड़े काम आ रहा है, नसीब से उसने छोड़ दिया है, आपके भी काम आएगा। परेशान कर दिया, देखा कैसे बात कर रहा था वो मुझसे। उसकी बातों को बड़ा एंजॉय कर रहे थे तुम, एक लगाकर बोल नहीं सकते थे कि हनीमून कपल नहीं है हम दोनों। और यही बात वो जाकर टीटी को बता देता। हेलो, मेरे घर पे सब पता चल गया है, उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस हमें ढूंढ रही है। हम उनके हाथ लग गए तो सब खत्म, वो हमें कभी एक नहीं होने देंगे। डोंट वरी, हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं पहुंच रहा हूं, बाय। शक्ति, मेरे हर एक मोमेंट पे वो लोग नजर रखे हुए हैं, प्लीज बात को समझो। डर लग रहा है क्या सर? जो भी तुम्हारा साथ देगा उसे डरना तो पड़ेगा ही ना। मेरे नंबर पर फोन मत क्या करो, ये कितनी बार बोला है मैंने। जो मांगा था उसका क्या हुआ? तुमने जो मांगा वो कोर्ट पर जहाँ बोला था उस टाइम पर पहुँच जाएगा। सर, he removed the SIM card. फारूक, दो चाय ले आ। स्पेशल बोलना क्या सर? अचानक यहाँ बोला होता तो मैं ही आ जाता। इस्माइल, आप बोलिए सर। ये सुमो चलने लायक है? 10,000 खर्चा करेंगे तो दौड़ेगी। कितनी देर में रेडी हो जाएगी? आप बोले तो आज ही रेडी कर दूंगा। जी बोलिए सर। मैडम, दो दिन पहले मेरे एक दोस्त की वर्कशॉप से TN70A6436 इस नंबर की एक सुमो चोरी हो गई है, उसकी FIR दर्ज करवानी है। ओके सर। वो अभी वहाँ पहुँच रहे हैं, उन्हें डुप्लीकेट कॉपी दे देना। डेफिनेटली सर। सुभाष, 208 सर। अरे देखो दरवाजे पे कौन है। रुको, देखता हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे कुछ नहीं करूंगा, बदले में एक काम करना होगा। रुको रुको, पहुंच गए। बॉस, आपको डुप्लीकेट गन क्यों चाहिए? आओ बॉस, बस यही है। ₹1,20,000। ₹85,000 नहीं आएगा सर। इसी में तुम्हें डबल प्रॉफिट है। तुम्हें उससे क्या मतलब? पुलिस वालों का कितना रिस्क होता है पता है? ₹75,000
क्या प्लान बना रहे हो पार्टनर? जान जाते तो तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी जगह। हर इंसान जानना चाहता है कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, ये उसकी सबसे बड़ी बीमारी है। और जिसे ये बीमारी है वो हमारे धंधे के लिए फिट नहीं है। ये मेरा बिछाया जाल है और काम पूरा हो जाने तक मेरे अलावा ये बात किसी को भी समझ में नहीं आनी चाहिए। इसकी कोशिश भी मत करना, यही बेहतर होगा। जो कहता हूँ फॉलो करो, जिंदगी आसान रहेगी। का। सर, आज 10 बजे अर्जुन को कोर्ट में पेश करना है। अब तो कोर्ट ने ही बोल दिया, तुम क्या कर लोगे? सर जी, उसे उससे पहले ही मार देंगे। भरोसे वाला आदमी है ना? जी हाँ सर। रिमूव द हैंडकफ। नहीं डॉक्टर, बहुत रिस्की है। नो नो, इट्स नॉट अ स्टेशन। जज का हमारे पास ऑर्डर है इसे यहाँ चेक करने के लिए। ओके। इसमें मेरा नाम नहीं आएगा सर। अर्जुन धोखेबाज है। सर, उसे एनकाउंटर में हमने पहले ही मार दिया होता। वो सिर्फ आपके सपोर्ट की वजह से अब तक जिंदा है। He's perfectly all right. आप इन्हें कोर्ट ले जा सकते हैं। बुलेट से भी तेज है वो, जिसे अर्जुन को मारने के लिए मैंने अपॉइंट किया है। ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। 3 महीने के अंदर 6 एनकाउंटर किए हैं। घंटों के अंदर बाहर आ जाऊंगा, देख लेना। 16 मर्डर किए हैं, फिर भी 2 घंटे में बाहर आ जाएगा? इतना भरोसा है? देश के वकील, जज, पुलिस, ये सब नाकारा है क्या? लॉ एंड ऑर्डर को कमजोर समझा तो पछताएगा। मजबूत भी नहीं है, क्योंकि ये एक मिशन है। अर्जुन तो एक ब्रांड है। इस ब्रांड पे तूने कालिक लगा दी, तुझे हर जाना देना होगा। गणेश, गाड़ी ड्राइव मत करना, तुम्हारा स्टेशन में काम है, तुम जा सकते हो। शक्ति, प्लीज आर्ग्यू करके टाइम वेस्ट मत करो, प्रोसीड। हेलो, गाड़ी आपकी तरफ आ रही है साहब। मैं देख लूंगा। ड्राइवर, गाड़ी क्यों रोकी, क्या हुआ? तरफ देखो, कोई देखे तो सिग्नल देना। बॉयस, लगता है अर्जुन के लोगों ने हमें घेर लिया है। अलर्ट अलर्ट।
शक्ति सिंह। सुन, ये तेरी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, मुझे कोर्ट में पेश कर, ये तेरी ड्यूटी है। मेरे साथ मत खेलो। देखो, मुझे मुझे मौत से डर नहीं लगता है। अर्जुन, तुझे क्या लगा सचमुच तेरे लोग बचाने के लिए आ गए? प्लान था। तूने तो बोला था कि मौत से डर नहीं लगता, अब क्यों घबरा रहा है? 16 लोगों का मर्डर किया था ना, उन्हें भी ऐसे ही घबराहट हुई होगी। सही कहा, 16 खून किए हैं मैंने, लेकिन आज तक किसी भी केस में मुझे सजा नहीं मिल पाई, और इसकी वजह कोई और नहीं, तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट ही है। एनकाउंटर, जो कमजोर और बुजदिल पुलिस वाला मुजरिम से डरता है वही एनकाउंटर करता है। हम पुलिस वालों का जमीर जगाकर अपनी जान बचाना चाहता है क्या? जरा भी हिला तो मारा जाएगा, ये पुलिस की गोली है। क्या सर, क्या है आपकी पुलिस? आप लोगों की मदद के बिना हम कुछ गलत नहीं कर सकते। बोलो, जब मैंने पहला खून किया था तभी मुझे पकड़ लिया होता तो मैं भी सुधर गया होता, और आज ऐसा नहीं होता। लाखों करोड़ों रुपए लेकर राजनेताओं और बिजनेसमैन के डर से मुझे बाहर छोड़ देते हो, और तुमने ये सिर्फ मेरे साथ नहीं किया, मेरे जैसे कई गुंडे आगे चलकर और गुनाह करते हैं, और इसका जिम्मेदार तुम्हारा डिपार्टमेंट ही है। तुम्हारा डिपार्टमेंट, हमारे जैसा इंसान जब पहला खून करता है तो लोग हमसे नफरत करते हैं, लेकिन बिजनेसमैन को और राजनेताओं को हम पसंद आते हैं। जिस दिन बिजनेसमैन को और राजनेताओं को हमारी जरूरत महसूस नहीं होती है, उसी दिन होता है एनकाउंटर। एक खूनी होकर पुलिस के बारे में इतनी घटिया बातें कर रहा है? हाँ, मैं खूनी हूं, और तुम मुझे गोली मारने वाले हो, तो तुम कौन हो? जज हो क्या? अरे तुम भी एक खूनी हो। जज की जरूरत अच्छे लोगों को होती है, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मैं ही काफी हूं। तेरा टाइम पूरा हो गया। तुम मुझे मार रहे हो, उससे कितने बुरे लोगों को बचा रहे हो पता है? मेरे साथ साथ न जाने कितने सच भी मर जाएंगे। ऑफिसर्स, ये कोई नया काम नहीं है, चेहरा और मेथड ही बदलता है। ये कोई शरीफ नहीं है, सो नो गिल्टी कॉन्शियस, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ अवर जॉब। बरो 3 2 1। हमारे पास सिर्फ 7 मिनट का वक्त है, तो हरी अप। आनंद, सो इस्माइल, वो गन इसके हाथ में रखो। प्रेस, ठीक सुबह 10 बजे अर्जुन को कोर्ट में पेश करने के लिए इसी रास्ते से आ रहे थे। करीब 9:30 बजे वहां से एक रॉकेट लॉन्चर ने हम पर अटैक किया। ड्राइवर ने सही समय पर ब्रेक लगाया तो रॉकेट लॉन्चर वहां पेड़ पर लगा। उस झटके से जब तक हम बाहर आते, सुमो से 4-5 लोगों ने हम पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी। जवाब में हमने भी गोली चलाई,
जंगल के उस तरफ से और इस तरफ से भी अर्जुन को बचाने के लिए कुछ लोग आए। उस वक्त अर्जुन दो ऑफिसर्स के साथ पीछे वैन में बैठा हुआ था। इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हुए हैं वहीं अर्जुन को बचाने के लिए आए हुए लोगों से हमारी मुठभेड़ हुई थी। उसके बाद अर्जुन ने वहाँ से भागने की कोशिश की, वो भाग ना पाए इसलिए उसके पैर पर गोली मार दी। इसके बावजूद वो रुका नहीं। फिर अर्जुन के आदमियों में से एक ने उसकी तरफ गन फेंकी, तब अर्जुन ने उस गन से हम पर पलटवार किया, तब खुद को बचाने के लिए मजबूरन हमें उसे मारना पड़ा। That's all. क्या हुआ विनोद? तुम ठीक तो हो ना? आई एम ओके, तुम अपना ध्यान रखना। ओके। अभी तक मरा नहीं, उससे पहले हॉस्पिटल से फोन आ गया। हेलो हेलो सर, ब्लड बैंक से आपका नंबर मिला है सर। मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ है, अगर आपका ब्लड मिल जाए तो मेरी माँ बच सकती है सर, प्लीज सर। मैडम आप कहीं और ट्राई कीजिए ना प्लीज सर। ट्राई कर लिया है सर, रेयर ब्लड कहीं नहीं मिला, सिर्फ आपका ही ब्लड मिलेगा तो मेरी माँ बच सकती है सर, प्लीज सर। मैडम मैं खुद सुसाइड करने बिल्डिंग के टेरिस पे आया हूँ और आप उससे ब्लड मांग रही हो। जब मुझे अपनी ही जान की चिंता नहीं है तो मैं आपके माँ की फिक्र क्यों करूँ? मेरे साथ मजाक मत कीजिए सर, अगर आप चाहो तो मेरी माँ बच सकती है सर। मैडम आपको बात समझ में नहीं आती क्या? सर सुसाइड का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, वो तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी माँ की जान आपने अगर आज नहीं बचाई तो वो मर जाएगी सर। आप कौन होती है ये बोलने वाले कि मैं किसी और टाइम पे सुसाइड करूँ? मुझे sir. तो पिछले महीने ही मरना था, लेकिन टाइम सही नहीं था, लेकिन आज 3 to 6 वेरी वेरी गुड टाइम। पूरा एक महीना इंतजार किया तब आज जाके सुसाइड करने आया हूँ। इस शुभ मुहूर्त में मरने के लिए पूरे 50,000 खर्च किए मैंने। सर सीरियसली? सीरियसली मैडम, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं और हमारे जो सुपरस्टार हैं उनके जो ज्योतिषी हैं उन्होंने मुझे यह समय बताया है। जानती हो 25 साल में सिर्फ एक बार ही ऐसा टाइम आता है, अगर आज मरा तो सीधा स्वर्ग में जाऊंगा। सर आपको 3 to 6 में मरना है, इतना ही ना? यस। सर पहले आप मेरी माँ की जान बचाइए सर, आपका टाइम खत्म होने से पहले आपको उसी जगह पर मैं वापस लेकर जाऊंगी सर। ये तो यार मेरे पीछे ही पड़ गई।
ब्लड दूंगा तो शादी करोगी क्या? करूंगी ना सर, मैं तैयार हूँ। ये क्या, मैं कौन हूँ, दिखने में कैसा हूँ, वो जाने बिना शादी के लिए राजी हो गई? माँ सर, माँ के लिए मैं ब्लड दे दूंगा, लेकिन मेरे टाइम खत्म होने से पहले ड्रॉप करना होगा। ओके सर। आपको अवॉइड करने के लिए मैंने शादी की बात की थी, आप कुछ गलत मत समझ लेना। ओके सर। आपकी माँ ओके हैं, आप फिकर मत कीजिए, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। थैंक्स। इट्स ओके सर, जूस। ओके थैंक्स। ब्लड मैंने दिया और जूस खुद पी रही है, हाउ मीन। तुम तो मरने वाले हो ना, तुम्हें किस लिए चाहिए जूस? चलो हेलो 326, सुसाइड करने वाली जगह का रास्ता तो बताओ। मैडम मेरा नाम विनोद है। तुम पर यही नाम अच्छा लगता है। वाइफ से झगड़ा हुआ क्या? अरे लेकिन शादी कहाँ हुई है मेरी? किसी से कर्जा लिया है तुमने? आज तक सबको दिया है लेकिन कभी लिया नहीं। कैंसर, एड्स, ऐसा कुछ? सुनिए अब आप ज्यादा बोल रही हैं। ओके कूल कूल। अच्छा गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया क्या? आज तक मैंने किसी से प्यार ही नहीं किया। बढ़िया है, ऐसे मुंह बनाकर रखोगे तो कौन प्यार करेगा? मतलब? मैं कह रही हूँ अगर आपने प्यार किया होता तो सुसाइड करने आप नहीं जाते। आजकल की लड़कियों से प्यार करने से बेहतर सुसाइड करना ही होगा। अगर मैं तुम्हें अपनी परेशानी बताऊँ ना तो झेल नहीं पाओगी तुम। क्या तुमने यहाँ से सुसाइड करने का प्लान बनाया? हाँ। अरे रे, ये तो बिल्कुल अशुभ जगह है, यहाँ से कूदकर कोई भी नहीं मर सकता। हाँ लेकिन हाथ पैर टूटकर अपाहिज जरूर बन सकते हैं। तुमने 50,000 खर्च करके सुसाइड का टाइम तो फिक्स किया, अच्छी जगह नहीं फिक्स की क्या? क्यों जी, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या? अगर विश्वास नहीं होता तो कूद जाओ, तुमने मेरी माँ की जान बचाई है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सही सलाह दूं। यहाँ से कूदोगे तो हाथ पैर जरूर टूटेंगे लेकिन तुम्हारी जान नहीं जाएगी। अब तुम क्या सोच रहे हो? तो अब मैं क्या करूं? हेलो, कहाँ पर हो तुम? मेरा एक नया दोस्त मरने जा रहा है, इसके लिए हम लोग एक अच्छी जगह देख रहे हैं, मैं बाद में कॉल करती हूँ, बाय। अरे सुनो तो, अरे मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाकर जाए क्या? सुनिए ना, मेरा गुड टाइम निकल जाएगा। तुम क्या शादी करने जा रहे हो, सुसाइड करने जा रहे हो ना, तुम्हें क्या पता कि गुड टाइम क्या होता है? अगर हम लोग सुसाइड का टाइम स्किप करे वो है गुड टाइम। ये 326 तुम्हारे लिए गुड टाइम नहीं है, जिसे तुमने 50,000 दिए थे ना वो ज्योतिषी का गुड टाइम है। मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ ये सोच के जल रही है। क्या कहा? कुछ नहीं, अभी आपको भूख लगी है बस, यही ना? भूख लगी है। वेलकम सर, क्या चाहिए मैडम? एक डोसा। सर आपको? अरे इनको किस लिए, ये तो मरने वाले हैं। कोई और बचा तो उन्हें भी फोन करके बोल दो। मैडम ये कुछ भी नहीं खाने वाले, आप मेरा ऑर्डर लाइए। एक्सक्यूज मी, ये सब क्या है? भूखा ही मरना, ऐसा कोई रूल नहीं है। पैसे है क्या? हाँ,
तो फिर किसके भरोसे पे खा रहे हो? अगर देखा जाए तो मेरी अंतिम इच्छा क्या है उसे पूरी करनी चाहिए। बात समझ में आई? नीचे उतरो। लेकिन क्यों? तुम्हारे सुसाइड करने की जगह आ गई है। तब तो ठीक है। क्यों जी, मैं यहाँ से कूदूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा ना? 50-50 है। यहाँ से कूदकर आधे लोग मर गए हैं और आधे लोग जिंदा बच गए हैं। घूर क्या रहे हो? तुमने जो जगह देख रखी थी ना, वो बहुत ही बेकार थी। उस जगह से ये जगह बहुत बेटर है। मुझे चॉइस नहीं चाहिए, मुझे सच में मरना है। तो फिर हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। अरे उन सबका टाइम नहीं बचा है, मेरा गुड टाइम निकला जा रहा है, उसके बाद मैं कैसे स्वर्ग? मैं फिर से बोल रही हूँ, वो तुम्हारा गुड टाइम नहीं था, उस ज्योतिषी का गुड टाइम था। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। हेलो, हेलो हेलो, क्या हुआ? वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू जय। थैंक्स गीता जी। हैप्पी बर्थडे जय। थैंक्स पापा। भैया जरा अपना वीडियो कॉलिंग ऑन कीजिए। भैया आपके बिहाफ में मैं केक काट रही हूँ। हाँ थैंक्स जय। ये तुम्हारा पहला बर्थडे है जब तुम हमारे साथ यहाँ नहीं हो। अच्छा उस लड़की को फोन दो, मैं भी उससे जरा बात करूं। नहीं गीता जी। ऐसा क्यों? वो तो सो रही है। तो जगा दो उसे। रहने दो गीता जी। क्यों? उसके साथ थोड़ा झगड़ा कर लिया मैंने। उसने तुम पर भरोसा किया है ना, उससे झगड़ा कैसे कर सकते हो तुम? शुरुआत छोटी बात से हुई फिर बड़ी हो गई। सुबह होते ही उससे माफी मांग लेना और उसे जहाँ कहीं भी जाना हो छोड़ देना। चलो अब सो जाओ। ठीक है मम्मी। थैंक यू सर। बहुत अच्छा परफॉर्म किया तुमने। जैसा तुमने कहा था बैंगलोर में ही ऑफर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। टोटल कैंडिडेट्स में सिर्फ तुम सेलेक्ट नहीं हुई थी, कोई और भी सेलेक्ट हुआ था और उसका प्रोजेक्ट आपसे भी ज्यादा बेटर था। लेकिन पता नहीं क्यों आज वो नहीं आए। अगर वो आ जाते तो मे बी ये चांस। यह है उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आप इसे एक बार देख लीजिए, आपको शायद कोई बेटर आइडिया मिल जाए।
मीनू तुम क्या फील करती हो? आज के इकोनॉमिक स्टेटस से लगता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही जॉब करना मस्ट है। तुम क्या हमेशा मशीन की तरह दिन भर सिर्फ काम ही करती रहोगी? क्यों चाहिए ऐसी टेंशन वाली लाइफ? अगर मैं कमा रहा हूँ तो मेरी वाइफ को घर संभालना चाहिए। और अगर उसे भी नौकरी करने की इच्छा हो तो? वेरी सिंपल, उसे नौकरी पर भेजकर मैं घर संभाल लूंगा। प्रैक्टिकली ये सब अच्छा नहीं लगता। अगर देखा जाए तो मेरी सोच एकदम प्रैक्टिकल है। मेरे पापा बहुत ईमानदार आदमी हैं। उनके रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले ही जो लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे उन्होंने चंद रुपयों के इल्जाम में उन्हें फंसा दिया था। इसीलिए अब तक उन्हें पीएफ, पेंशन कुछ भी नहीं मिलता। जब हमारे पास पैसे नहीं थे तब मैंने लाइफ से बहुत कुछ सीखा। पैसों की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ये कैसे? लाइफ के वैल्यू से ज्यादा पैसे की वैल्यू कैसे हो सकती है? पैसे की जगह लाइफ बनाने की सोचो, पैसे अपने आप बन जाएंगे। हेलो, तुम्हारी वाइफ को नौकरी मिल गई है? क्या क्या बात है, इतनी जल्दी मेरी आवाज भूल गए? मेरे वहां आने तक टी, कॉफी, टिफिन सब तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है जान। क्या कहा? ठीक है मीनू। शक्ति के इनकाउंटर पे पब्लिक भरोसा करे इसलिए आपने चार मासूमों को मार डाला ना सर। ए शक्ति, जरा यहाँ ना, देखो ना ये रिंग कैसी है। हे, क्या कर रही हो तुम? देर हो रही है यार, जल्दी चलो। गुड मॉर्निंग ऑफिसर। राजा, राजीव राजा, ह्यूमन राइट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पेशल विंग से। ऑफिसर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। थाने आइएगा, वहीं बात करेंगे। नहीं, बात तो अभी करनी होगी। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग करने आया हूँ, बाद में बात करते हैं। ऑफिसर, अब तुम जरा कॉपरेट करोगे? किस बारे में बात करनी है? तुम्हारे किए गए एनकाउंटर में से एक फेक एनकाउंटर है ऐसी रिपोर्ट मिली है। अंदर चलो। इंक्वायरी खत्म होने तक किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, इसीलिए। ओके ऑफिसर्स, रिलैक्स हो जाओ। कहो तो कोई फिल्म देखे? कल तक की रिलीज हुई सारी फिल्में मैंने रात को ही देख ली सर। थिएटर में? पायरेटेड डीवीडी सर। गुड, पुलिस वालों का नाम रोशन करोगे? थैंक यू सर। लोग नौकरी पर ईमानदारी से ही काम करेंगे ऐसा सोचते हैं, लेकिन कभी कभार एक वायरस उन लोगों को थोड़ा थोड़ा बदल देता है, और उस वायरस को खत्म करने वाले का नाम है शक्ति सिंह। इस ईमानदारी के दो भरोसेमंद सब इंस्पेक्टर्स, वेरी गुड टीम। तुम तीनों की प्रोफाइल मैंने चेक की, बहुत मजा आया। ओके ऑफिसर्स, यहाँ आप 100% फ्री रह सकते हैं। आप लोग रिलैक्स कीजिए, मैं 5 मिनट में आता हूँ। सॉरी, आई विल बी बैक। सुनिए सर। साइलेंस।
तुम लोगों से क्या पूछा? हमसे तो कुछ नहीं पूछा शक्ति। तुम जैसा सोच रहे हो वो उतना सीधा इंसान नहीं है। उसकी बातों में आकर उसके सामने कुछ उगल मत देना। अभी तुमने देखा ना, हमसे छुपकर हमारे लिए कैमरा फिक्स किया था। वो जो कुछ भी पूछे हम तीनों को एक ही जवाब देना होगा। पहले मैं जवाब दूंगा, उसके बाद तुम लोग बोलना। उसके बाद भी अगर उसने उल्टा सीधा पूछा तो भूल गया, ठीक से याद नहीं है, ऐसा कोई बहाना बना देना। हमें उसके जाल में नहीं फंसना है, ओके? एग्जैक्ट 5 मिनट्स। ऑफिसर नो। क्यों सर, आप ही ने तो कहा था हम कुछ भी कर सकते हैं। करेक्ट, लेकिन जैसा आप समझ रहे हैं वैसे ये सिर्फ डॉल नहीं, कैमरा है। स्मोक की वजह से रिकॉर्ड किया हुआ इमेज खराब हो सकती है, तो मैं जरा इसे। सर उसे पहले ही हटा चुके हैं। वेरी गुड, पुलिस वालों को ऐसे ही अलर्ट होना चाहिए। सर अब लेकिन ऑफिसर जैसा आप समझ रहे हैं ये सिर्फ रिमोट नहीं, वॉइस रिकॉर्डर है। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं साफ साफ इसमें ही रिकॉर्ड होने वाला है। बहुत अच्छा डिवाइस है, जरा इसकी क्वालिटी चेक करके देखें। तुम जैसा सोच रहे हो वो उतना सीधा इंसान नहीं है। उसकी बातों में आकर उसके सामने कुछ उगल मत देना। वो जो कुछ भी पूछे हम तीनों को एक ही जवाब देना होगा। उसके बाद भी अगर उसने उल्टा सीधा पूछा तो भूल गया, ठीक से याद नहीं है, ऐसा कोई बहाना बना देना। हमें उसके जाल में नहीं फंसना है, ओके? ऑफिसर, गलती करने वाला अनजाने में कोई सुराग छोड़ ही देता है, और उसे ढूंढ कर पकड़ना ही पुलिस की चतुराई कहलाती है। लेकिन जुर्म के बाद के जरूरी सुराग को खोद के निकालना वो हम जैसे ह्यूमन राइट्स वालों का काम होता है। अब आप जला सकते हो ऑफिसर। जो आपने ये हरकत की है वो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अभी तो ये शुरुआत है ऑफिसर, कुछ बातें आपको और भी बुरी लगेंगी। कम ऑफिसर्स, हमारा मीटिंग पॉइंट आ गया। ऑफिसर क्या लोगे तुम, कॉफी या टी? नो थैंक्स। अरे बोलो ना, कॉफी या टी? टी। गुड। ऑफिसर आपको? कॉफी। वेरी गुड। और आपको? कुछ नहीं सर। ऑफिसर हमारी सरकार के टी स्टॉल यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ की टी सुपर, जाने के 5 मिनट, चाय पीने के 5 मिनट और वापस आने के 5 मिनट, 15 मिनट का ब्रेक है आपके पास। मुरली ऑफिसर आपको कॉफी पीने की इच्छा थी ना, ए टू बी अडियार आनंद भवन, पास के बॉर्डर पर ही मशहूर होटल है। सतीश सर ले जाओ इन्हें। ऑफिसर आपने बोला आपको कुछ नहीं चाहिए। सर मेरा भी अचानक कॉफी पीने का मन कर रहा है, मैं भी जाऊं उसके साथ? आप जो भी बोलोगे वो यहीं मिल जाएगी। ऑफिसर यहां। अब बताइए उस दिन क्या हुआ था? मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है सर। आई नो, ये जानता हूँ, इसीलिए आपको यहाँ लेकर आया हूँ। यहाँ थोड़ी आसानी होगी ना। इनफैक्ट आप जहाँ खड़े हैं मिस्टर अर्जुन की लाश वहीं थी। क्या हुआ था? उस दिन सुबह के 9:30 बज रहे होंगे, अचानक हमारी गाड़ी यहाँ रुक गई। उसके कुछ ही देर बाद शक्ति सर की आवाज सुनाई दी, समथिंग इज फिशी ओवर हियर, हमें अलर्ट होने के लिए कहा। हम सब चौकन्ने हो गए। कुछ देर बाद गनशॉट्स की आवाज आई सर। ऑफिसर जब आप फाइनल ईयर में थे तो आपका किसी लड़के से प्यार हुआ था? हाँ बिल्कुल सर। कुछ देर बाद गोलियों की आवाज आई, उसके बाद उस लड़की से शादी का वादा करके धोखा दिया। सर मैंने उसे धोखा नहीं दिया सर, उसी ने मुझे धोखा दिया था। लगभग 9:30 बजे आपकी गाड़ी रुकी,
और बाहर इंस्पेक्टर शक्ति सिंह की आवाज सुनाई दी आपको, सही है ना? करेक्ट सर। लेकिन अभी भी आप उस लड़की को भूल नहीं पाए। बिल्कुल सर। लेकिन शक्ति ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि इस तरफ से किसी ने रॉकेट लॉन्चर चलाया था और उसने अपने बचाव के लिए जीप रोक दी थी। जब शक्ति की आवाज आपको सुनाई दे सकती है तो रॉकेट लॉन्चर की आवाज आपको क्यों नहीं सुनाई दी? आगे बोलो ऑफिसर। एनकाउंटर के बारे में या मेरी लवर के बारे में सर? वो आपकी इच्छा है। आप ऐसे बदल बदल के पूछेंगे तो मैं अब जैसे कंफ्यूज हुआ वैसे ही कंफ्यूज हो जाऊंगा। आप सिर्फ एनकाउंटर के बारे में पूछे ना। अर्जुन को बचाने आए लोग दिखने में कैसे थे? सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ इसलिए कुछ याद नहीं है सर। उनके कपड़ों के बारे में बता दो, क्या पहना था उन्होंने? पैंट या कुछ और? पैंट, शर्ट, टी शर्ट, बस इतना ही। थोड़ा सोच के बताओ ऑफिसर, कौन कैसा दिखता था याद है? किसी का भी चेहरा मुझे याद नहीं है सर। क्या उन्होंने चेहरे को ढकने के लिए कुछ? हाँ सर, मंकी मास्क पहने हुए थे। सभी के सभी? यस सर। ओ, अर्जुन के पैर पर गोली मारते समय अर्जुन और शक्ति में कितनी दूरी होगी? 5 feet होगा सर। जब सर पर गोली मारी तब उन दोनों के बीच में कितनी दूरी होगी? मुझे लगता है 15 feet। जब अर्जुन ने गोली चलाई तब उसने वो बंदूक लेफ्ट हैंड से चलाई या राइट हैंड से? लेफ्ट सर। वेलकम बैक ऑफिसर, वहां की चाय तुम्हें बहुत अच्छी लगी होगी। इन ऑफिसर की इंक्वायरी तो हो गई, अब तुम हो। ऑफिसर, इन्होंने क्या जवाब दिया है वो चाहो तो तुम पूछ सकते हो, उसके बाद हमारी इंक्वायरी शुरू होगी। जरूरत नहीं है सर, जो इसने देखा है वही मैंने भी देखा है। वेल, ओनली 6 questions। अर्जुन को बचाने आए लोग दिखने में कैसे थे? क्या पहने थे? पैंट शर्ट, धोती, लुंगी, टी शर्ट या फिर कुछ और पहने हुए थे? फॉर्मल्स, टी शर्ट, जींस पैंट, ऐसा ही कुछ पहना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, जो लोग आए थे क्या उनमें से किसी का चेहरा याद है? ठीक से याद नहीं है सर। किसी भी मुजरिम का चेहरा अगर एक बार देख लो तो उस चेहरे को मरते दम तक नहीं भूलने वाले पुलिस ऑफिसर हो तुम। 10 minutes की फाइट की फिर भी कह रहे हो किसी का चेहरा याद नहीं, रीजन क्या है? उन्होंने क्या मुंह ढकने के लिए कुछ? मुंह ढकने के लिए उन्होंने कपड़ा बांध रखा था। कपड़ा बांधा हुआ था या चेहरे पर ब्लैक पेंट लगाया हुआ था? ज्यादातर लोगों ने चेहरे पे कपड़ा बांध रखा था और बाकी लोगों ने पेंट लगा रखा था। ऑफिसर, हाँ? तुम्हारे रिएक्शन भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। सर आप कहें तो मैं कहीं साइड में बैठ जाऊं सर? क्यों ऑफिसर, मेरी इंक्वायरी तो हो गई ना सर। इंक्वायरी शक्ति की ही है लेकिन जवाब तो यहां से आ रहे हैं। अब देखो सर, अर्जुन को गोली मारते समय तुम्हारे और अर्जुन के बीच में कितनी दूरी होगी? सर पैर पे मारा था तो 5 feet की दूरी थी और सर पे मारते समय 15 feet की दूरी। जब अर्जुन ने गोली चलाई तो आपने ध्यान तो दिया ही होगा क्योंकि आपके इस काबिल ऑफिसर ने दिया था, यही कि उसने किस हाथ से बंदूक चलाई, लेफ्ट से कि राइट से? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा सोच कर बोलना, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट सर। राइट। क्वेश्चन नंबर 6, मैंने पूछा चाय कैसी लगी और तुमने जवाब भी नहीं दिया। ऑफिसर रिलैक्स। थैंक यू सर। आई ऑफिसर, आप तो बता दो कॉफी कैसी लगी? आपके लिए बस यही क्वेश्चन है। मुरली फोन। ओके ऑफिसर्स, कल सुबह आप सभी ह्यूमन राइट्स के ऑफिस में आ जाना। बोलिए सर। सुनो इस्माइल, मेरी बात सुनो।
कोई ह्यूमन राइट्स ऑफिस से फोन करके मेरे बारे में पूछे तो कहना कुछ नहीं जानते। हेलो, क्या हुआ विनोद? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आई एम ओके, तुम अपना ख्याल रखना। ओके। तुझे अगर जिंदा रहना है तो गांधीनगर बस स्टॉप छोड़ दे मुझे। मुझे देखने की कोशिश मत कर। ब्रो, तुम्हारा चेहरा शीशे में साफ दिख रहा है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा लिफ्ट दे दे यार। गले में चाकू रख के चैन छीनने वाले को देखा, पैसे लूटने वाले को देखा है, लेकिन लिफ्ट मांगने वाले को आज पहली बार देख रहा हूँ। ऐसे भी क्या जल्दी है तुम्हें? गांधीनगर बस स्टॉप पे मेरी गर्लफ्रेंड मेरा वेट कर रही है, इसीलिए जल्दी जाना है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरे लिए वहीं वेट कर रही है, उसे भी वहां से 5 बजे पिकअप करना है। कोई प्रॉब्लम है क्या? काश प्रॉब्लम है ब्रदर। मेरी प्रॉब्लम तो तुमसे भी बड़ी है। धर्म, मेरी माँ दूसरे धर्म की है और पापा दूसरे धर्म के, वही प्रॉब्लम है। सर 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 प्लीज मुझे थोड़ी दूर ड्रॉप कर देंगे सर? हाँ ठीक है, चलिए। थैंक्स। कार मेरी है। प्रॉब्लम है, प्लीज। लिफ्ट मिल गई है, आ जाओ। जल्दी जल्दी, मेरी गर्लफ्रेंड है, आप चलिए ना। ऐसे ऑर्डर करे जैसे मैं इसकी ड्रॉप हूँ। कौन है ये लोग? ये भी हमारी तरह लवर्स हैं, बुरा नहीं मानेंगे। हाँ? क्या आप दोनों को हम लोग लवर्स दिखाई दे रहे हैं? ओ सॉरी मैडम, लवर्स मैंने गलत बोल दिया, हस्बैंड वाइफ ना। लवर्स हस्बैंड वाइफ के अलावा और कुछ रिश्ता नहीं होता क्या? ओ अब माँ बेटे हैं क्या? चुप करो तुम। सॉरी मैडम, पक्का बाप बेटी होंगे फिर। फिर रॉन्ग, सॉरी मुझे कुछ नहीं लगता सर, मैं मुंह बंद ही रखता हूँ, यही अच्छा है मेरे लिए। डंटा डंट प्लीज सर, बिना बात के मैं रह ही नहीं सकता। आज के दिन हमारे प्यार को 1 साल हो गया, उसी खुशी में। थैंक यू सर, हमारा प्यार थोड़ा अलग तरह का है। ब्रो चुप करो, पूछो ना कैसे ब्रो। मैडम कम से कम आप तो पूछो। बोलिए। जनरली लव में एक लड़का और एक लड़की आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, पहचान होती है, उसके बाद शादी करते हैं, उसके बाद फर्स्ट नाइट, और उसमें कुछ कुछ होता है। लेकिन हमारा प्यार एंटायरली डिफरेंट, पहले ही बहुत कुछ हो गया। इंटरेस्टिंग है ना? आगे बताओ, आगे बताओ। पिछले साल की बात है, आज के ही दिन इसी पहाड़ी पे ये सुसाइड करने के लिए खड़ी थी। इसने मरने का पक्का इरादा कर लिया था, मैंने पहले ही इसका चेहरा पढ़ लिया था। ये बस कूदने वाली थी, उसी वक्त मैं वहां पहुंचा, मैंने इसे कस के पकड़ लिया और इसे हीरो स्टाइल में बोला, तू तो मरने ही वाली है, उससे पहले एक बार मुझसे मोहब्बत करके देख ले, मुझे घर जमाई बना के देख ले। घर जमाई? 4 घंटे लगे तब जाके मानिए मैडम, लेकिन मुझे क्या पता था कि मोहब्बत मेरे लिए इतनी भारी पड़ जाएगी। इसका सुसाइड से माइंड डाइवर्ट हो इसलिए मैंने मोहब्बत का जाल फेंका था और खुद ही उसमें फंस गया। जानते हो इसमें ट्विस्ट क्या है? मैंने इसके बाप से कहा, मेरे इन हाथों में अपने घर की चाबी रखो। समझ नहीं आया कि मैंने क्या गलत कह दिया? इसके पिताजी मेरी बात नहीं माने, इसलिए हमारे पास घर नहीं है। इसलिए हम लोग लिफ्ट मांग मांग के दिन गुजार रहे हैं। सुसाइड भारी पड़ गया दोस्त। ये सर भी ना सुसाइड करने का प्लान बना रहे हैं। तो ये बात है, आप लोग हमारा पार्ट 2 बना रहे हो। टेंशन मत लो मैडम, आपको हमारी तरह मुश्किलें नहीं होंगी, आपके पास खुद की गाड़ी है, लाइफ इजी है, सर भी मस्त है। बस करो। पहले गाड़ी से उतरो। मैं उतर जाता हूँ मैडम, कम से कम इसे अपने साथ ले जाइए, वरना ये सुसाइड करे या ना करे लेकिन मैं जरूर कर लूंगा मैडम। तुम गाड़ी से उतर जाओ ना प्लीज। मैडम मेरी हाय लगेगी आपको। ऐसे मुझे क्यों देख रही हो? कुछ ही देर में मर जाओगे ना तुम, इसलिए तुम्हारा चेहरा देख रही थी। तुम्हारी मरने वाली जगह पर पहुंचने वाले, हंसते हुए मरोगे या रोते हुए मरोगे? वो सब नहीं पता मुझे, मुझे बस मरना है, सुसाइड करना है।
कैसी हो? तुम्हारे माँ की जान बचाई मैंने और तुम्हारे साथ इतना वक्त भी गुजारा, सुसाइड करने से एक बार रोकोगी नहीं मुझे? कितनी सेल्फिश हो तुम। अगर ये कहते कि सुसाइड मत करो तो मरने के लिए तुम और ज्यादा उतावले हो जाते। मैंने तुम्हें एक बार भी नहीं रोका इसलिए तुम खुद बदल गए। ये है साइकोलॉजी। तुम्हें बचाने के लिए ही मैं इतनी देर तक तुम्हारे साथ ट्रैवल कर रही थी। पहले सुसाइड पॉइंट से कूदे होते तो भी तुम मर जाते, लेकिन तुम्हें थोड़ा थोड़ा कन्विंस करके यहाँ तक लाने में कामयाब हुई हूँ। मैंने अपना इरादा बदल दिया। थैंक्स। दोस्ती की शुरुआत हो गई तो हमें प्यार करने में भी देरी नहीं करनी चाहिए, है ना? पहले गिफ्ट के तौर पे किस दोगी? शादी कर लो मुझसे, उसके बाद दूंगी। वो तो ठीक है, तुम्हारा नाम? अदिति। क्या हुआ? मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं कह के कि मुझे प्यार करना नहीं आता। वो विजय है ना, 2 महीना पहले एक लड़की पटाई और आज वो बिना शादी के हनीमून बना रहा है। और वो अरविंद, पीना छोड़ दिया उसने, कहता है क्वार्टर से ज़्यादा नशा तो मेरी जानू में है यार। और कुछ लड़कियाँ इतनी खड़ूस होती हैं कि अपने बॉयफ्रेंड को पास ही नहीं आने देती। लेकिन मुझे पता है कि तुम उन लड़कियों जैसी बिल्कुल भी नहीं हो, है ना? तुम मुझे यहाँ छूना चाहती हो, यहाँ छूना चाहती हो। कितनी बार कहा है तुम्हें कि ये सब शादी के बाद ही होगा? अगर टॉर्चर करोगे तो तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। सॉरी, तुम्हारी आंखों से ही मेरा काम चल जाएगा। शक्ति, नो नो। बॉय, सब कहां मर गए? सुपर। सर, मिनिस्टर साहब लाइन पर हैं। तुम्हारी पुलिस हर बार उसे छोड़ देती है, वैसे इस बार नहीं बचना चाहिए। वो बेंगलोर से तमिलनाडु नहीं पहुंचना चाहिए। जितनी फोर्स चाहिए उतनी मिलेगी, कुछ भी करो, बस वो कोर्ट पहुंचे उससे पहले गोली उसके आर पार हो जानी चाहिए, तभी उसे मेरी ताकत का अंदाजा होगा और बाकी अधिकारियों को भी। गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। जब अर्जुन ने गोली चलाई तब उसने वो बंदूक लेफ्ट हैंड से चलाई या राइट हैंड से? लेफ्ट सर। राइट। जब अर्जुन के पैरों पर गोली मारी तब 5 फीट की दूरी थी। तुमने और इन्होंने सेम जवाब दिए। गुड, लेकिन वो झूठ है। हम झूठ क्यों बोलेंगे सर? हमने अर्जुन को 5 फुट की दूरी से ही मारा था और यही सच है। ये 5 फीट की दूरी से चली गोली का निशान है, ये 4 फीट की दूरी से बना निशान है, ये 1.5 फीट की दूरी से बना निशान है और ये अर्जुन के पैर के घाव का निशान है।
फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के मुताबिक यह गोली 1.5 फीट की दूरी से ही चली है। यह ब्लैक मार्क बुलेट पे लगे पाउडर से बनता है। 3 फीट की दूरी से गोली मारेंगे तो यह मार्क होता है। 4 फीट की दूरी से या 5 फीट की दूरी से यह मार्क नहीं बनता है। अर्जुन के सर पर जब गोली मारी तो वो 15 फीट की दूरी पर था, ऐसा तुमने कहा, लेकिन वो सच नहीं है। सिर्फ 7 फीट की दूरी थी। तुम लोग खुद कंफ्यूज थे कि उसने लेफ्ट हैंड से गोली चलाई थी या राइट हैंड से। यह सही है कि अर्जुन के हाथों में गन थी, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक इंकिंग पाउडर लगाने पर अर्जुन की उंगलियों ने ट्रिगर ही नहीं दबाया, यह बात बाहर आती है। सर, लगता है किसी ने आपको हमारे बारे में कुछ गलत रिपोर्ट दी है। ऑफिसर्स, तुम्हारी गन से निकले बुलेट्स, ये सर पर चलाई बुलेट और ये पैर पर चलाई बुलेट, ये तो झूठ नहीं बोलेगी ना। बुलेट में जमे खून के ब्लड रिपोर्ट के तहत उसके माथे पर गोली मारने के 7 मिनट बाद पैर पर गोली मारी गई। अच्छी कहानी बनाते हैं सर, आपको तो लॉयर होना चाहिए था। ऑफिसर, लॉ पूरी करके सिविल सर्विस एग्जाम देकर 5 साल आपके डिपार्टमेंट में सर्विस करने के बाद मैं यहां पहुंचा हूं। अगर उसके मरने के 7 मिनट बाद उसके पैर में गोली मारी होती तो उसके पैर से खून नहीं निकलता, जबकि मैं उसके पैर से निकले हुए खून का नमूना पहले ही पेश कर चुका हूं। ब्रिलियंट आइडिया, ब्रिलियंट प्लान तुम लोगों ने बनाया। एक इंसान के मरने के बाद शरीर में कहां कहां 3 सेकंड से 7 मिनट तक ब्लड आ सकता है। वैंडलिज्म मेथड का इस्तेमाल करके अर्जुन के शरीर से 7 मिनट तक कहां कहां ब्लड रहेगा जानकर रिकॉर्ड्स बनाए गए थे। सो, तुमने वह एनकाउंटर नहीं किया था, खून किया था। इट्स अ प्री प्लान मर्डर। भारत सरकार के अंतर्गत एक खून की जो भी सजा होती है वो तुम लोगों को मिलेगी। हाँ सर, खून किया है। अर्जुन ने 16 लोगों की जान ली थी तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ देते? उसके 16 खून करने तक तुम्हारा डिपार्टमेंट क्या कर रहा था ऑफिसर? हाँ, या ऐसा कोई रूल है कि 16 मर्डर करने के बाद ही एनकाउंटर करना होता है? जब उसने पहला मर्डर किया था तभी एनकाउंटर किया होता तो एटलीस्ट 15 लोगों को तो बचाया जा सकता था। हम एनकाउंटर नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके लिए बिजनेसमैन और मिनिस्टर्स की सिफारिशें आती थी सर। तो अब सिफारिशें क्यों नहीं आई? लोगों को पता चला कि वो गुंडा है तो सब किनारे हो गए। 16 लोगों को मारने के लिए बिजनेसमैन और मिनिस्टर्स को तब अर्जुन की जरूरत थी। आज उन्हें अर्जुन की जरूरत नहीं, इसलिए अर्जुन को मारने के लिए आप लोगों की जरूरत पड़ी। उन लोगों की नजर से देखो तो अर्जुन और आप लोग एक ही हो। सर, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। एक थर्ड रेटेड क्रिमिनल और मैं एक हैं? ऐसा मैं नहीं सोचता ऑफिसर, वो लोग सोचते हैं। इस तरह हमारी ड्यूटी गलत बताने का आपको कोई हक नहीं। मुजरिम को गोली मारना आपकी ड्यूटी है क्या? उनको अरेस्ट करके कोर्ट में ले जाना आपकी ड्यूटी है। वजह चाहे कोई भी हो, एक इंसान को किसी दूसरे इंसान की जान लेने का कोई हक नहीं है। इसीलिए तो हम दुनिया भर में फांसी का विरोध कर रहे हैं। तो क्या जुर्म करने वालों को ऐसे ही खुला छोड़ देना चाहिए? सजा इंसान को जीते जी उसके स्वभाव को सुधारने के लिए मिलनी चाहिए। मौत किसी के लिए सजा नहीं है ऑफिसर, वो फैसला है। जब सुप्रीम कोर्ट ने 7 मुजरिमों को फांसी की सजा को रद्द करके उनको रिहा करने का प्रस्ताव रखा था तो राज्य ने उत्सव मनाया। बहुत अच्छा लगता है यह देख करके हमारी जनता फांसी का विरोध कर रही है। फांसी देने वाले देश से फांसी ना देने वाले देश में क्राइम कम है। बातों से कुछ नहीं होता है सर। यहां मारो तभी डरते हैं, गोली मारो तभी सुधरते हैं। गलती की सजा देना ही पुलिस का काम है, ऐसा तुम मानते हो, पर गलती ना हो यह देखना पुलिस का काम है। नॉर्वे नाम का एक देश है, इंक्वायरी के लिए पुलिस किसी मुजरिम को लेकर जाए तो पुलिस उसे नहीं मार सकती और ना ही उनसे कोई जबरदस्ती कर सकती है। वही एक ऐसा देश है जहां विश्व में सबसे कम क्राइम है। कोर्ट में पेश करो तो अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके बाहर निकल आते। ऐसा कुछ नहीं ऑफिसर, उसके दिए पैसों को कांस्टेबल से लेकर कमिश्नर तक पहुंचाकर पहुंच का नाम दे रहे हो। मुजरिमों को पैदा करने में बहुत बड़ा हाथ पुलिस वालों और राजनेताओं का है और यही कड़वा सच है ऑफिसर। सर, पहुंच क्या होता है ऑफिसर? व्हाट इज इन्फ्लुएंस? बिहार में सीएम को जेल में नहीं डाला क्या? उनका इन्फ्लुएंस नहीं था क्या? हमारे स्टेट में 1,57,000 करोड़ का घोटाला किया तो सेंट्रल मिनिस्टर को जेल में नहीं डाला, क्या उनकी पहुंच नहीं थी? ईमानदार और हिम्मत वाला पुलिस चाहे तो कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो उसे जेल में डाल सकता है, सही सबूतों के बल पर उसे गुनहगार साबित कर सकता है। यही पुलिस वाले की ड्यूटी है। आप तीनों के पास ईमानदारी है, हिम्मत भी है, इसीलिए उन लोगों ने आपको मिसयूज किया। हम लोग कोई पागल नहीं है, हमारा कोई मिसयूज नहीं कर सकता। अर्जुन की मौत एनकाउंटर है या मर्डर, इसका फैसला कोर्ट को करने दीजिए। आप रिपोर्ट को सबमिट करने में अपना ध्यान दीजिए। रिपोर्ट कोर्ट तक पहुंच गई तो आप लोग जिंदा नहीं बचोगे। कोर्ट में क्या सूली पर चढ़वाओगे हमें? हाँ,
जिनके लिए आप लोगों ने यह एनकाउंटर किए थे वो लोग ही आपको मरवा देंगे। आपको बचाने के लिए ही मैं इतनी देर से समझा रहा था। ईमानदारी आज तेजी से खत्म हो रही है और उसी ईमानदारी की आज हमारे देश को जरूरत है। जानवरों को बचाया जाए इसके लिए ब्लू क्रॉस चलाई गई थी ऑफिसर, लेकिन सही इंसान को बचाने के लिए ऐसी कोई संस्था नहीं है। प्लीज समझो। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत काम किया है। ये सब कुछ मैंने पब्लिक के लिए किया है। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ऑफिसर, सर कॉफी? थैंक्स। सर आप तो मुझे यहां देखकर चौंक गए होंगे ना सर। मैं तो कल ही आपका वेट कर रहा था, आप लेट आए हो। मैं जननायकवादी हूं सर, सब बातें करके सुलझाना ही मेरी पॉलिसी है। कहिए क्या बात है? बातों में क्या रखा है, बस आप साइन कर दीजिए। कहां पर साइन कर दो सर? वेरी सिंपल, अर्जुन की मौत मर्डर नहीं, एक इनकाउंटर था बस। बस यही कहने के लिए इतने बड़े बिजनेसमैन इतनी दूर तक आए हैं? जो सच है मैं वही लिखने वाला हूँ। आपके बीवी बच्चे तो पहले ही मर चुके हैं, है ना? आपका तो अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं है। डराने का ये पुराना स्टाइल है सर। तुम जब जानते ही हो कि मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं, तो मुझे डरने की क्या जरूरत? ऑल द बेस्ट। ऑफिसर सॉरी सर। अब समझ में आया, आपने कानून की रक्षा करने के लिए अर्जुन को नहीं मारा बल्कि बिजनेसमैन राममूर्ति को बचाने के लिए मारा। अर्जुन की मौत एक साजिश थी, यह साबित हो चुका है। मुजरिमों को कैद करने के लिए और इस साजिश के पीछे का सच जानने के लिए प्रशासन को यह अदालत हुक्म देती है। अंकल मैंने कल आपको टीवी पे देखा था, आपने उन सभी लोगों को गोली क्यों मारी? गोली मारूंगा तभी तो सुधरेंगे। अंकल वो सब मरने के बाद कैसे सुधरेंगे? आप लोग बेकार में घबरा रहे हैं। एक बार शक्ति गिरफ्तार हो जाए तो कोर्ट में जाने से पहले हमारी पुलिस उसका चैप्टर क्लोज कर देगी। डिपार्टमेंट का ईमानदार इंसान समझा था। तुम सब पुलिस वाले हो। मुझसे किसी ने कहा था कि तुम बिजनेसमैन और मिनिस्टर्स के लिए काम करते हो, भरोसा नहीं किया। आज पता चला तुम उससे भी बदतर हो। क्यों सर, जितने भी एनकाउंटर किए क्या वो सब पब्लिक के लिए नहीं थे? किसी इंसान के नुकसान फायदे के लिए किया था मैंने। लेकिन हमारे ऊपर भी प्रेशर होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम सबको लॉ एंड ऑर्डर और सिस्टम के हिसाब से ही चलना पड़ता है। क्या है तुम्हारा सिस्टम? क्या है तुम्हारा सिस्टम? यूनिफॉर्म पहनकर मासूमों की जान लेना ही तुम्हारा सिस्टम है? मासूमों को गुंडों के हाथों से मरवाते हो, गुंडों को मेरे हाथों से मरवाते हो और मुझे मरवाने के लिए पुलिस वालों को अरेंज करते हो, क्या यही सब तुम्हारा सिस्टम है? बड़े बड़े बिजनेसमैन, मिनिस्टर्स और तुम जैसे पुलिस वाले कोई भी सिस्टम में क्यों नहीं आता? हाँ, अर्जुन ने मरने से पहले एक बात कही थी,
शक्ति सिंह, तुम्हारे किए हुए हर एनकाउंटर के साथ सच्चाई भी मारी जाती है। मुझे खूनी बना दिया। तुम जैसे बड़े बड़े अधिकारियों के जाल में फंसकर मेरे जैसे न जाने कितने ईमानदार ऑफिसर्स ने बिना कुछ जाने अपनी जान दे दी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। यहां जितने भी आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स हैं, इनके कहने पर मैंने एनकाउंटर किया है, ये सब कोर्ट में बताऊंगा। और तुम लोगों ने ये किसके लिए कहा, क्यों कहा, इसका जवाब कोर्ट में देना। आप तीनों को पुलिस बड़ी गंभीरता से ढूंढ रही है। इस केस ने एक नया मोड़ लिया है जहां की मुख्य गवाही आप तीनों की होगी, इसलिए वो आपको कोर्ट जाने से हर हाल में रोकने की कोशिश करेंगे। मिस्टर प्रभाकर बिजनेसमैन राममूर्ति के जुल्म के शिकार हैं। एक अच्छे जज के पास सरेंडर होने तक ये आपका ख्याल रखेंगे। ओके सर। जय, मैं आ गई हूँ। मुझे पहुँचने में 10 मिनट और है। जय, जल्दी आओ, अगर हमें किसी ने देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आ ही रहा हूँ, तुम घबराओ मत। मैं कार को पार्क करके वेट कर रही हूँ। ओके। हेलो, जल्दी आओ ना, यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ओके ब्रदर, प्लीज थोड़ा फास्ट चलाओ, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत डर रही है। ए, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? टायर पंचर है सर, बदल के चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ रुको, नहीं निकलो निकलो। ओके भाई, गांधीनगर बस स्टॉप तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ सकते हो। ओके। सर, शक्ति आ रहा है सर। ओके। इस रोड को ब्लॉक कर दूं क्या सर? हाँ ब्लॉक कर दो। ब्रदर आगे पुलिस है, शायद हम ही ढूंढ रहे हैं, फास्ट निकाल लेना, रुकना तो बिल्कुल नहीं। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, गाड़ी रोको गाड़ी रोको गाड़ी रोको। ए, ए, वो लोग तो भाग निकले सर। मालती, कहीं तुम्हें कोई परेशानी ना हो जाए, तुम जल्दी यहाँ से निकलो। ओके, ऑल द बेस्ट। हे, यहाँ खतरा है, मेरे साथ चलो। सर, आजा आजा आजा, पीछे ले पीछे ले पीछे ले, हाँ हाँ पीछे पीछे पीछे। ओए चलो गाड़ी हटाओ। सर एक ही बल्ब बचा है, लगा के जाते हैं। छोड़, चल गाड़ी हटा। ओके सर। ए रुक जा, बाद में बदलते हैं, गाड़ी हटा ले। प्लीज डोंट शूट। शक्ति, ब्रदर, पुलिस पुलिस, संभल के देखो। ए, विनोद। ए, हाँ। शक्ति, गेट बैक। हमने कुछ मारा। शक्ति, शक्ति रुक जाओ। ए, शक्ति। सर, चल। सर, सर हमने क्या किया? चलो। अंदर लो, अंदर लो। ओ शक्ति, सब का अंदर लो। उन्होंने कुछ नहीं किया, छोड़ इसको। शक्ति, जल्दी। गेट इन। अगर कोई भी आगे बढ़ा, तो इन सबको मार दूंगा। शक्ति, तुम गलती पे गलती कर रहे हो। कल तक जैसे मैं इनके लिए काम कर रहा था, आज तुम इनके लिए कर रहे हो। रुक जाओ शक्ति, रुक जाओ। Come on, come on, move, move, move. सर, शक्ति भाग निकला। सर, उतरो जल्दी। जल्दी। ओ, ओ, ए, रुको मत, आप जल्दी चलो, इस तरफ।
मेरी बात सुनो, तुम्हें परेशान करने या मारने का हमारा कोई इरादा नहीं है, हमें सिर्फ उनसे बचना है। तब तक हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करो, ओके? पुलिस आके हमें गोली मार देगी सर, हमें सरेंडर कर देना चाहिए। सरेंडर करने का कोई फायदा नहीं होगा, अगर जरूरत पड़ी ना तो तुम्हें भी मार देंगे। चलो चलो फास्ट। शक्ति, उन चार मासूमों की जान से मत खेलो। कौन खेल रहा है सर, खेल तो तुम रहे हो। अगर उन्हें जिंदा देखना है तो पुलिस फोर्स को वापस ले जाओ और हमारे लिए कार अरेंज करो। सिर्फ 5 मिनट का टाइम देता हूं। सर, मिनिस्टर लाइन पे आपसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं। डोंट वरी सर, उन चारों का बाल भी बाका नहीं होगा और शक्ति जरूर मरेगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या तुम जानते नहीं कि शक्ति कितना चालाक है? हमारे खिलाफ जो भी सबूत उसके पास होगा उसने उन चारों को दे दिया होगा, इसलिए उन चारों का भी जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक है। विक्रम, उनके साथ जो चार लोग हैं उन्हें भी मार दो। सर, वो चारों तो इनोसेंट है सर। मिनिस्टर साहब का ऑर्डर है, डू व्हाट आई से। चाहे सस्पेंड हो जाओ, मैं उनको नहीं मार सकता हूँ सर। इट्स माय ऑर्डर। सॉरी सर, मेरा जमीर इसकी इजाजत नहीं देता। सर, उन चारों को बचाने आए हमारे ऑफिसर विक्रम को शक्ति ने गोली मार दी है सर। शक्ति, उन चारों को भी शूट करने के ऑर्डर्स निकले हैं, भागो यहाँ से। बॉयज, मूव मूव, इनको चारों तरफ से घेर लो, कवर करो। भले ही हमारी जान चली जाए लेकिन इन चारों की जान बचानी होगी, इट्स आवर ड्यूटी, ओके? डरना मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शक्ति! सर, उन्होंने आपको क्यों मारा? नीचे यूनिफॉर्म पहने हैवान खड़े हैं, इन सबको गोली मारने के लिए बोल दिया है। उन हैवानों से इन बच्चों को बचा लो। सर, सर, गो, गो, शक्ति। सर, आप भी हमारे साथ चलिए सर। गो, 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 सर। मेरी फिक्र मत करो, जाओ तुम। चलो आ जाओ, come on, come on, follow me.
परण दीदी जय विनोद अदिति विनोद मुझे बचाओ विनोद 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 भी नहीं होगा, हम यहां से चले जाते हैं, चलो होल्ड मी टाइट, ठीक से पकड़ो, आओ कराओ प्लीज मीनू, तुम आओ, मैं आता हूं। तुम्हें ये वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है, तू खुद को पुलिस कहते हो? Thank you.
आजा। मीनू से ये बात मत कहना। मीना जा, मीनू को बचा, जा मीनू को बचा। बिना वजह मार दिया इनको तुमने। मेरा मकसद तुम्हें मारना नहीं है। एक इंसान की जान लेने का हक किसी इंसान या सरकार किसी को भी नहीं है, ये बात गांधी से लेकर कई लोग कहते रहे, लेकिन वो सब कुछ हम भूल गए। हथियार हाथ में होते हुए भी दुश्मन को माफ कर देना ही असली वीरता है। दूसरों की जान लेने वाला पुलिस नहीं होता, दूसरों के लिए जान देने वाला पुलिस। हॉस्पिटल ले चलो सर, मेरे बच्चे का ब्लड नहीं मिला, एक बच्चे की जान बचानी है। सर प्लीज सर, प्लीज हेल्प कीजिए सर, मैं मरने से पहले उस बच्चे को बचाना चाहता हूँ।
शक्ति एक ऐसा मुजरिम था जिसकी कानून को पहले से तलाश थी। हमसे बचने के लिए उसने 4 मासूमों को किडनैप किया। सुबह ठीक 10 बजे अर्जुन को कोर्ट में पेश करने के लिए इसी रास्ते से आ रहे थे। हमने जब उन्हें बचाने की कोशिश की तो शक्ति ने इंस्पेक्टर विक्रम को गोली मार दी और फिर उन 4 मासूमों को बड़े बेरहमी से मारकर उसने हम पर हमला किया। अपनी जान बचाने के लिए हमें मजबूरन शक्ति को मारना पड़ा। दैट्स ऑल। सारे घातक हथियार हैं, लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि सबसे घातक हथियार है राजनीति। यह एक फेक इनकाउंटर था। अब क्या करोगे तुम? एक और शक्ति सिंह को मैं नहीं देख सकता सर। मैंने जहां भी अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की वहां मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है सर, और आज फिर मैं उसी मुकाम पर खड़ा हूं। जब तक आप जैसे लोग रहेंगे तब तक सच्चे जमीर वाले सरकारी अधिकारी अपना काम नहीं कर पाएंगे। आप जैसा सोचते हो वैसा सबसे खतरनाक हथियार राजनीति नहीं है सर, जननायक है। इसे एक दिन आप भी समझ जाओगे।